दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग फिर एक और बार देखने वाले हैं डायनासोर्स के बीच में लड़ाई। अब ये लड़ाई छोटे डायनासोर्स के बीच में नहीं, बड़े मांसाहारी डायनासोर्स के बीच में होने वाला है। तो यहाँ पे मेरे पास दो हेमन क्रिएशन लैब है, जहाँ पे टीरेक्स, स्पाइनोसॉरस, गिगांटोसॉरस जैसे भयानक डायनासोर्स है, और आखिर में इंडोमिनस रेक्स और इंडोरैप्टर भी है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके डायनासोर्स को रिलीज करेंगे और देखेंगे कौन बेहतर परफॉर्म करता है। तो मैं सबसे पहले टीरेक्स को रिलीज करता हूँ, और ये मैंने रिलीज किया है हमारे डायनासोरस रेक्स को, और ये अभी निकल रहा है। तो यहाँ पे टीरेक्स मेरा बहुत फेवरेट डायनासोर है, और अभी देखते हैं ये निकल के कैसा एक पुकार देता है अभी। और ये एक दो तीन, और यहाँ पे इसका शाउट आउट अभी हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये अभी सूंघ रहा है, तो अभी फिलहाल कुछ नहीं है यहाँ पे। और बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे टीरेक्स आगे बढ़ेगा पानी पीने के लिए या फिर कुछ मतलब घूमने के लिए। तब तक मैं अपने दूसरे डायनासोर को यहाँ पे रिलीज करने वाला हूँ, जो कि है स्पाइनोसॉरस। तो मैं यहाँ पे टीरेक्स को चलने देता हूँ, दौड़ने देता हूँ, पानी पीने देता हूँ, और उसके बाद स्पाइनोसॉरस को रिलीज कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरे ख्याल से हमारे टीरेक्स को कोई शिकार मिल चुका है, और ये स्नेक कुछ खा रहा है अभी। और ये स्नेक बकरी खा ली है, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे टीरेक्स ने बकरी खा ली, तो इसका पेट तो जरा सर भरा हुआ है। अभी मैं चलो स्पाइनोसॉर को अपने निकालता हूँ, और यहाँ पे टीरेक्स के साथ इसे लड़वाता हूँ। तो ये मैं अपने हेमन क्रिएशन लैब को चूज करता हूँ, और मैं स्पाइनोसॉरस को भी रिलीज करने वाला हूँ। और ये हम रिलीज कर दिया स्पाइनोसॉरस को, और ये अभी निकल रहा है। तो स्पाइनोसॉर एक बहुत भयानक जीव है, माना जाए तो फिर टीरेक्स से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक स्पाइनोसॉरस है दोस्तों। और ये अभी शायद पुकारेगा मेरे ख्याल से, और देखते हैं। मैं अभी चुप बैठ जाता हूँ, और इसकी पुकार हम लोग सुनते हैं। चलो, अब यहाँ पे स्पाइनोसॉरस को अपना शिकार शायद नहीं मिला है, तो मेरे ख्याल से ये सबसे पहले अपना शिकार ढूंढने जाएगा, उसके बाद ही लड़ेगा। तो यहाँ पे स्पाइनोसॉर धीरे धीरे बढ़ रहा है अपने शिकार की तरफ, और यहाँ पे ये शिकार बेसिकली ढूंढ रहा है। अगर इसे कोई बकरी मिलती है तो वो इसे खा जाएगा, स्पाइनोसॉरस उस बकरी को खा जाएगा। और इसे मिल चुका है, और यहाँ पे धीरे धीरे स्पाइनोसॉरस बढ़ रहा है, और इसने एक ही बार में पूरी बकरी को खा लिया। ये टीरेक्स से भी ज़्यादा भयानक है, मैंने पहले ही बताया था, और इसने पूरी बकरी हजम कर ली। और यहाँ पे हमारा जो टीरेक्स है वो अभी पानी पी रहा है मेरे ख्याल से, और स्पाइनोसॉरस की तरफ इसका कोई ध्यान नहीं है अब तक। और ये अभी पानी पी रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, पानी पीते हुए भी बहुत भयानक दिखता है ये, और फिर भी इसकी हालत मेरे ख्याल से भी ठीक ही है। तो ये अभी पानी पी रहा है। और अगर बात करें स्पाइनोसॉरस के बारे में, तो हमारा जो स्पाइनोसॉरस है वो भी मेरे ख्याल से भी पानी पी रहा है। तो ये लोग पानी पियेंगे, फिर मेरे ख्याल से तबीयत दुरुस्त होने के बाद लड़ेंगे। तो यहाँ पे स्पाइनोसॉरस का पानी पीना हो चुका है मेरे ख्याल से खत्म, और ये कुछ सूंघ रहा है अभी, और ये मेरे ख्याल से अभी आगे बढ़ेगा। तो अभी मेरे ख्याल से ये दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं अभी, और देखने के बाद ही शायद इनका लड़ाई शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे टीरेक्स और स्पाइनोसॉरस एक दूसरे के सामने खड़े हैं, और यहाँ पे टीरेक्स भी इसे घूम रहा है, और इसे घूरने के बाद टीरेक्स ने दिया एक और रोड, और ये अभी फाइट शुरू होगी मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे पहला हमला स्पाइनोसॉरस के हमारे टायरानोसॉरस रेक्स के ऊपर, और अभी टीरेक्स मेरे ख्याल से बहुत हो रहा है, और अभी ये अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग टीरेक्स का एक्सपेक्ट करते हैं अटैक करना, और देखते हैं अभी कौन अटैक करता है सिंपली। तो टीरेक्स का यहाँ पे जख्म हम देख सकते हैं, और यहाँ पे चलो कोई भी अटैक तो नहीं कर रहा अभी तक। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर ये लोग एक दूसरे को घूर ही जा रहे हैं अभी तक, और कोई अटैक नहीं। और हमारे टायरानोसॉरस रेक्स ने किया एक और अटैक स्पाइनोसॉरस के ऊपर, और अभी स्पाइनोसॉरस का जो हेल्थ है वो अभी ठीक ठाक है, सही सलामत है, लेकिन हमारा टीरेक्स थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। और स्पाइनोसॉरस के ऊपर एक और बार अटैक, और स्पाइनोसॉरस का जो हेल्थ है वो थोड़ा सा डाउन हो चुका है। और यहाँ पे स्पाइनोसॉरस ने एक और बार रिएक्शन देते हुए यहाँ पे टीरेक्स की तरह ये अभी अटैक करेगा मेरे ख्याल से। और यहाँ पे देखते हैं एक और बार कौन अटैक करता है, टीरेक्स या स्पाइनोसॉरस। और हम लोग अभी देखने वाले हैं एक और बार अटैक, वो भी स्पाइनोसॉरस की तरफ से मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे स्पाइनोसॉरस का कोई भी अटैक नहीं है, टीरेक्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं। और ये स्पाइनोसॉरस ने एक और बार अटैक किया हमारे टायरानोसॉरस रेक्स के ऊपर, और टीरेक्स अभी बहुत ज़्यादा लाचार हो चुका है, और इसे ये अभी लड़ने की कंडीशन में मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है हमारे टीरेक्स। और यहाँ पे टीरेक्स अभी सीधे खड़े हो चुका है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये और नहीं लड़ेगा, और ये मेरे ख्याल से टीरेक्स हमारा अभी भागने वाला है मेरे ख्याल से। तो जैसे कि मैंने कहा था कि टीरेक्स और नहीं लड़ पाया, और इसने क्विट कर दिया लड़ाई यहाँ पे बीच में ही, और ये अभी भाग रहा है। देखते हैं टीरेक्स भागता भी है या फिर स्पाइनोसॉरस के साथ इसकी मुठभेड़ एक और बार होती है। तो कुल मिला के पूरे एक घंटे के बाद यहाँ पे टीरेक्स और स्पाइनोसॉरस मेरे ख्याल से अभी एक और बार लड़ने वाले हैं, और हमारा टीरेक्स जो है वो स्पाइनोसॉरस की तरफ बढ़ रहा है, स्पाइनोसॉरस भी रेडी है फाइट के लिए। और यहाँ पे इन दोनों का फाइट मेरे ख्याल से एक और बार शुरू होने वाला है, और यहाँ पे टीरेक्स और स्पाइनोसॉरस दोनों ही जोश में लग रहे हैं। स्पाइनोसॉरस ने एक और अटैक किया टीरेक्स, और हमारा टीरेक्स यहीं पे शायद ढेर हो सकता है, इसकी हालत अभी बहुत बुरी है। और यहाँ पे स्पाइनोसॉरस का एक और मौका, और ये टीरेक्स ने अभी एक और अटैक किया स्पाइनोसॉरस के ऊपर। तो मेरे ख्याल से टीरेक्स के ऊपर अभी स्पाइनोसॉरस शायद अटैक कर सकता है, लेकिन अगर टीरेक्स यहाँ पे अटैक करेगा एक और बार तो ये शायद जीत जाएगा। तो यहाँ पे दोनों अभी एक दूसरे को घूर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कौन पहला अटैक करेगा। और यहाँ पे उसके पास स्पाइनोसॉरस ने मेरे ख्याल से एक और बार अटैक किया है हमारे टीरेक्स के ऊपर, और टीरेक्स बहुत ज़्यादा कमजोर हो रहा है धीरे धीरे। और यहाँ पे टीरेक्स का एक और बार पुकार, और यहाँ पे स्पाइनोसॉरस रेडी, और देखते हैं कौन इसका अटैक करता है किसके ऊपर। और यहाँ पे दोनों ही अभी स्टिल है, कोई भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। और यहाँ पे अचानक मेरे ख्याल से कोई अटैक करेगा, लेकिन कौन अभी नहीं मालूम। और जैसे कि अभी एक दूसरे को घूर रहे हैं ये लोग, और सोच रहे कि कैसे अटैक किया जाए। तो यहाँ पे टीरेक्स बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है आप देख सकते हो, और स्पाइनोसॉरस भी रेडी है। और यहाँ पे स्पाइनोसॉरस का एक और अटैक हमारे टीरेक्स के ऊपर,
और हमारा जो टीरेक्स है वो अभी बहुत कमजोर हो चुका है, हिलने की हालत में भी नहीं है। तो यहाँ पे स्पाइनोसॉर मेरे ख्याल से फायदा उठाएगा और यहाँ पे हमारा टीरेक्स बहुत ज्यादा घायल हो चुका है वैसे भी, और यहाँ पे स्पाइनोसॉर ने उठाया फायदा और यहाँ पे हमारे टीरेक्स को शायद अभी ढेर करने वाला है और ये इसने हमारे टीरेक्स को भी मार दिया है। तो स्पाइनोसॉर वर्सेस टीरेक्स के इस वॉर में स्पाइनोसॉर की जीत होती है दोस्तों। तो टीरेक्स के बाद अभी स्पाइनोसॉर से लड़वाने के लिए हम लोग एक और डायनासोर रिलीज करने वाले हैं जो कि है गिगांटोसॉरस, और मैं यहाँ पे इसे रिलीज करने वाला हूँ। तो हमारा स्पाइनोसॉर तो अभी बहुत तेजी से घूम रहा है और ये जख्मी भी है मेरे ख्याल से, तो कोई नहीं, तो हम लोग अपना डायनासोर भी रिलीज करते हैं जो कि गिगांटोसॉरस, और अभी मैं इसे रिलीज कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे रिलीज पे क्लिक किया और यहाँ पे हमारा गिगांटोसॉरस रिलीज हो चुका है और ये धीरे धीरे आ रहा है। ये टीरेक्स से बहुत छोटा है, उतना टीरेक्स जैसा बड़ा नहीं है लेकिन टीरेक्स की तरह ही खतरनाक है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि ये गिगांटोसॉरस और स्पाइनोसॉरस की लड़ाई में कौन जीता है। तो यहाँ पे गिगांटोसॉरस अभी खुशबू ले रहा है और या फिर इसका शाउट आउट, तो इसने शाउट आउट दे दिया और अभी ये शायद बढ़ेगा शिकार की तलाश में। तो यहाँ पे गिगांटोसॉरस अभी देख रहा है चारों ओर और ये अभी दौड़ के नीचे जा रहा है मेरे ख्याल से हमारे टीरेक्स की लाश की तरफ मांस खाने के लिए, लेकिन देखते हैं ये पानी पीने के लिए भी जा सकता है। तो गिगांटोसॉरस अभी आगे बढ़ रहा है और देखते हैं ये अभी क्या करेगा। तो गिगांटोसॉरस आगे बढ़ रहा है बहुत जोरों शोरों से और ये अभी पानी पीने लगेगा मेरे ख्याल से। तो हमारे गिगांटोसॉरस का पानी पीना हो चुका है और ये स्पाइनोसॉरस के सामने आ चुका है मेरे ख्याल से, और इन दोनों का जो वॉर है मेरे ख्याल से शुरू होने वाला है। और यहाँ पे गिगांटोसॉरस स्पाइनोसॉरस की तरफ बढ़ रहा है और ये दोनों अभी आमने सामने हैं। तो देखते हैं इस वॉर में कौन जीता है। मेरे ख्याल से यहाँ गिगांटोसॉरस शायद जीत पाएगा लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। और यहाँ पे स्पाइनोसॉरस का पहला अटैक यहाँ पे हमारे गिगांटोसॉरस के ऊपर, और यहाँ पे गिगांटोसॉरस का एक और बार रोर या फिर शाउट आउट, और उसके बाद एक और बार अटैक स्पाइनोसॉरस के ऊपर, और यहाँ पे कोई भी अभी तक कमजोर नहीं हुआ है और दोनों का ही अटैक जारी है। तो यहाँ पे स्पाइनोसॉरस और गिगांटोसॉरस एक दूसरे को घूर रहे हैं और पोजीशन ले रहे हैं कि कौन पहले अटैक करेगा, और यहाँ पे स्पाइनोसॉरस के ऊपर एक और बार अटैक, और ये स्पाइनोसॉरस अभी थोड़ा सा हेल्थ वाइज लो हो चुका है, मतलब ये अगर चाहे तो गिगांटोसॉरस से मार सकता है लेकिन गिगांटोसॉरस के ऊपर स्पाइनोसॉरस का एक और बार अटैक करने के बाद ये भी कमजोर हो चुका है और अभी देखते हैं कौन जीतता है। तो ये दोनों ही अभी शाउट आउट दे रहे हैं और मेरे ख्याल से अभी कोई अटैक करेगा या नहीं बता नहीं सकते। तो गिगांटोसॉरस अभी मैदान छोड़ के भाग चुका है। तो कुल मिला के आधे घंटे बाद यहाँ पे स्पाइनोसॉरस और गिगांटोसॉरस एक दूसरे के सामने फिर से आ रहे हैं और अभी देखते हैं ये लोग लड़ते हैं या नहीं, और अगर लड़ते हैं तो फिर नतीजा क्या निकलता है। यहाँ पे गिगांटोसॉरस लड़ी और स्पाइनोसॉरस ने भी अपनी पोजीशन ले ली और यहाँ पे अभी फाइट शुरू होगा। तो स्पाइनोसॉरस का पहला अटैक, और पहले अटैक में ही हमारा गिगांटोसॉरस कमजोर हो चुका है और यहाँ पे स्पाइनोसॉरस बिल्कुल तैयार है, फुल फॉर्म में है, और यहाँ पे गिगांटोसॉरस शायद अटैक करेगा। तो ये लोग अभी फिर से पोजीशन ले रहे हैं और कोई तो अटैक करने है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे देखते हैं पहला या दूसरा अटैक कौन करता है सिंपली। तो यहाँ पे ये दोनों ही फिर से पोजीशन ले रहे हैं और यहाँ पे अटैक कौन करेगा बताया नहीं जा सकता। तो देखते हैं यहाँ पे दोनों ही रेडी है अभी, और स्पाइनोसॉरस का एक और बार अटैक, और गिगांटोसॉरस बहुत ज्यादा कमजोर अभी हो चुका है और ये चलने के लायक भी नहीं रहा। तो यहाँ पे स्पाइनोसॉरस शायद यहाँ भी बाजी मार सकता है और यहाँ पे स्पाइनोसॉरस का एक और बार जानलेवा हमला गिगांटोसॉरस के ऊपर, और इसने अभी दबोच लिया है मेरे ख्याल से हमारे गिगांटोसॉरस को, और ये एक और बार मेरे ख्याल से जीत चुका है। तो टीरेक्स और गिगांटोसॉरस को मार चुका है हमारा स्पाइनोसॉरस, और अभी हम लोग अपने तीसरे कंटेंडर को रिलीज करेंगे स्पाइनोसॉरस से लड़ने के लिए। तो अभी मैं अपने तीसरे कंटेंडर को यहाँ पे रिलीज करने वाला हूँ, आई मीन चौथे कंटेंडर को, और देखते हैं ये स्पाइनोसॉरस के साथ में लड़ पाता भी है या नहीं। तो हमारा जो चौथा कंटेंडर है वो थोड़ा सा छोटा डायनासोर है लेकिन स्पाइनोसॉरस को शायद टक्कर दे सकता है। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ हैमिल्ड क्रिएशन लैब में एक और बार, और यहाँ पे रिलीज करता हूँ हमारे चौथे कंटेंडर को जो कि है सेराटोसॉरस, और यहाँ पे मैं चूज कर रहा हूँ चलो सेराटोसॉरस को, और ये मैंने क्लिक किया रिलीज डायनासोर के ऊपर और हमारा सेराटोसॉरस अभी निकल रहा है। तो मैं अभी चुप हो जाता हूँ और देखते हैं कि सेराटोसॉरस का जो रिएक्शन है बाहर आके वो कैसा होता है। तो यहाँ पे सेराटोसॉरस अभी शिकार की तलाश में शायद नीचे जाने वाला है और स्पाइनोसॉरस से शायद इसकी मुलाकात बहुत जल्दी होने वाली है क्योंकि सामने ही स्पाइनोसॉरस होने वाला है मेरे ख्याल से। तो हमारा सेराटोसॉरस अभी आ चुका है पानी के सामने, इसे स्पाइनोसॉरस अभी तक तो नहीं मिला मेरे ख्याल से, ये अभी पानी पीने वाला है, बहुत प्यासा है और ये अभी पानी पी रहा है दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो। तो सेराटोसॉरस को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा ताकतवर बनाया है ताकि ये स्पाइनोसॉरस से लड़ सके। तो यहाँ पे सेराटोसॉरस अभी अपनी प्यास बुझा रहा है और उसके बाद स्पाइनोसॉरस का मुकाबला मेरे ख्याल से ये करेगा। तो इसका पानी पीना हो चुका है और ये अभी स्पाइनोसॉरस को मेरे ख्याल से ढूंढ रहा है या शिकार ढूंढ रहा है। तो स्पाइनोसॉरस और सेराटोसॉरस एक दूसरे के सामने हैं और इनके बीच में शायद अभी लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे स्पाइनोसॉरस पोजीशन ले चुका है और स्पाइनोसॉरस ने पहला अटैक भी कर दिया सेराटोसॉरस के ऊपर, और सेराटोसॉरस भी अभी पोजीशन ले रहा है और स्पाइनोसॉरस के ऊपर शायद ही अटैक करेगा, लेकिन स्पाइनोसॉरस ने मौका नहीं दिया और स्पाइनोसॉरस ने सेराटोसॉरस के ऊपर एक और बार अटैक कर दिया है। और यहाँ पे सेराटोसॉरस भी रेडी है अटैक के लिए लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से स्पाइनोसॉरस एक और बार बाजी मार जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों ही पोजीशन ले रहे हैं कौन पहले अटैक करेगा इसके लिए, और यहाँ पे स्पाइनोसॉरस का एक और बार शाउट आउट, और यहाँ पे मेरे ख्याल से सेराटोसॉरस थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, और यहाँ पे देखते हैं कौन
एक और बार अटैक करता है। तो यहाँ पे पानी में पूरा लड़ाई हो रहा है अभी कंटिन्यू, और देखते हैं अभी कौन अटैक कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे बारिश भी हो रही है अभी, और यहाँ पे स्पाइनोसॉरस का एक और बार अटैक, और हमारा सेराटोसॉरस बहुत कमजोर हो चुका है और चलने की हालत में भी अभी नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं स्पाइनोसॉरस शायद इस बार भी बाजी मार जाएगा। तो यहाँ पे स्पाइनोसॉरस का एक और बार अटैक यहाँ पे सेराटोसॉरस के सर के ऊपर, और यहाँ पे स्पाइनोसॉरस ने सेराटोसॉरस का गला पकड़ा और यहाँ पे पानी के नीचे जा के इसे मार दिया। तो यहाँ पे टीरेक्स, गिगांटोसॉरस और सेराटोसॉरस, ये स्पाइनोसॉरस तीन डायनासोर को मार चुका है ऑलरेडी। और अभी हम लोग अपना सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो कि है इंडोमिनस रेक्स, उसे रिलीज करेंगे और देखेंगे स्पाइनोसॉरस इंडोमिनस रेक्स के सामने टिक पाता है या नहीं। इंडोमिनस रेक्स, मैं पहले ही बता दूं, कोई डायनासोर नहीं है, ये इंडोमिनस रेक्स बेसिकली टीरेक्स और वेलोसिरैप्टर का मिश्रण है, हाइब्रिड है, और स्पाइनोसॉरस तो बेसिकली एक ओरिजिनल डायनासोर था ही। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक हाइब्रिड के साथ में एक ओरिजिनल डायनासोर का अगर लड़वाया जाए तो फिर कौन टिकता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इंडोमिनस रेक्स को रिलीज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ह्यूमन क्रिएशन लैब में जाते हैं और इंडोमिनस रेक्स को मैं अभी रिलीज करने वाला हूँ, और ये मैंने इसे भी रिलीज कर दिया है। तो यहाँ पे मैं अभी शुरू हो जाता हूँ और हम लोग देखने वाले हैं इंडोमिनस रेक्स पहली बार यहाँ पे निकल के कैसा रिएक्शन देता है। जोरदार रिएक्शन देने के बाद अभी इंडोमिनस रेक्स अभी अपने शिकार के लिए शायद निकलेगा, और मेरे ख्याल से स्पाइनोसॉरस को ये ढूंढ लेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत एग्रेसिव टाइप का हाइब्रिड है, और मेरे ख्याल से अगर ये मेरे ख्याल से स्पाइनोसॉरस को मार सकता है। तो यहाँ इंडोमिनस रेक्स कुछ सूंघ रहा है और मेरे ख्याल से इसे स्पाइनोसॉरस का पता लग चुका है। तो हमारा इंडोमिनस रेक्स अभी स्पाइनोसॉरस की तरफ ही बढ़ा है, वो सामने मैं देख सकता हूँ। अभी स्पाइनोसॉरस अभी खड़ा है और स्पाइनोसॉरस भी मेरे ख्याल से फाइट के लिए रेडी है, लेकिन स्पाइनोसॉरस ने अभी तक इंडोमिनस रेक्स को नहीं देखा। तो यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कैसा घमासान लड़ाई हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्पाइनोसॉरस को शायद यहाँ पे भनक नहीं लगी, लेकिन इंडोमिनस रेक्स अभी उसे देख सकता है। तो हम लोग देखते हैं अभी, चलो स्पाइनोसॉरस ने भी मेरे ख्याल से इंडोमिनस रेक्स को देख लिया और ये अभी मेरे ख्याल से अटैक करना शुरू करेगा। तो स्पाइनोसॉरस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है इंडोमिनस रेक्स की तरफ, और यहाँ पे स्पाइनोसॉरस ने भी एक शॉट दे ही दिया, और यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी इन दोनों के बीच में लड़ाई होगा, और यहाँ पे ये तो शायद पहले पोजीशन लेंगे। तो यहाँ पे स्पाइनोसॉरस ने कोई ज्यादा यहाँ पे फाइट का नहीं किया है, और इंडोमिनस रेक्स की अभी कोई भी ज्यादा फाइटिंग के मामले में नहीं जाना चाहता मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे इंडोमिनस रेक्स मेरे ख्याल से नहीं छोड़ने वाला, और यहाँ पे इंडोमिनस रेक्स ने शॉट आउट दिया और ये अभी फाइटिंग पोजीशन में आ चुका है। तो स्पाइनोसॉरस को ये चैलेंज कर रहा है और अभी देखते हैं स्पाइनोसॉरस इसका क्या रिप्लाई देता है। तो यहाँ इंडोमिनस रेक्स और स्पाइनोसॉरस दोनों ही फाइटिंग पोजीशन में आ चुके हैं और यहाँ पे फाइटिंग शुरू हुई है मेरे ख्याल से। तो स्पाइनोसॉरस बहुत ज्यादा जोश में लग रहा है मेरे ख्याल से, और ये इंडोमिनस रेक्स का पहला अटैक हमारे स्पाइनोसॉरस के ऊपर, और यहाँ पे इंडोमिनस रेक्स अभी भी बहुत कॉन्फिडेंस में है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे स्पाइनोसॉरस का भी एक और अटैक इंडोमिनस रेक्स के ऊपर, और इंडोमिनस रेक्स को शायद बहुत ज्यादा लगी है अभी, और यहाँ पे इंडोमिनस रेक्स का एक और बार शाउट आउट, और यहाँ पे अभी स्पाइनोसॉरस के ऊपर शायद ये एक और बार अटैक करेगा। तो यहाँ पे दोनों भी पोजीशन ले रहे हैं अभी, और बताया नहीं जा सकता कि कौन पहले अटैक करने वाला है, और यहाँ पे स्पाइनोसॉरस का एक और बार शाउट आउट, और यहाँ पे देखते हैं कि एक और बार अटैक कौन करता है अभी। और यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे हैं, और इंडोमिनस रेक्स तो वैसे बहुत चालाक है, मेरे ख्याल से ये आज बाजी मार सकता है। तो यहाँ पे स्पाइनोसॉरस का एक और अटैक इंडोमिनस रेक्स के ऊपर, और इंडोमिनस रेक्स का हेल्थ अभी बहुत डाउन है, स्पाइनोसॉरस शायद इस बार भी बाजी मार लेगा, लेकिन यहाँ पे इंडोमिनस रेक्स का भी एक और अटैक, और स्पाइनोसॉरस भी हेल्थ वाइज बहुत लो हो चुका है, और यहाँ पे स्पाइनोसॉरस के ऊपर शायद इंडोमिनस रेक्स इस बार जीत हासिल कर सकता है। तो इंडोमिनस रेक्स का एक और बार शाउट आउट यहाँ पे, और ये क्या स्पाइनोसॉरस भाग रहा है, एस्केप कर रहा है पूरे लड़ाई से, और इंडोमिनस रेक्स यहाँ पे फाइटिंग के लिए तैयार है। करीब करीब 45 मिनट्स के बाद ये दोनों डायनासोर रिकॉर्ड पर आमने सामने आ रहे हैं, और अभी देखते हैं कि बीच में शायद फिर से लड़ाई हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पे इंडोमिनस रेक्स का एक और बार खुला चैलेंज स्पाइनोसॉरस के लिए, और यहाँ स्पाइनोसॉरस ने फाइटिंग पोजीशन ले ली है। तो यहाँ पे इंडोमिनस रेक्स और इंडोमिनस रेक्स का एक और अटैक, और स्पाइनोसॉरस हेल्थ वाइज बहुत लो हो चुका है इस बार, और मेरे ख्याल से इस बार स्पाइनोसॉरस का चांस नहीं है। तो यहाँ पे इंडोमिनस रेक्स शायद अटैक करेगा, लेकिन स्पाइनोसॉरस भी कर सकता है, कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे। और यहाँ पे दोनों ही फिर से पोजीशन ले रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे स्पाइनोसॉरस के ऊपर और इंडोमिनस रेक्स अभी मौका ढूंढ रहा है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा कुछ बताया नहीं जा सकता, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग बहुत घमासान लड़ाई है, और यहाँ पे देखते हैं स्पाइनोसॉरस का एक और अटैक इंडोमिनस रेक्स के ऊपर, और इंडोमिनस रेक्स की अभी हेल्थ वाइज बहुत लो हो चुका है, इंडोमिनस रेक्स ने एक और बार शाउट आउट दिया, और अभी लगता है कौन अटैक करेगा मेरे ख्याल से। ये फाइट बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है, और देखते हैं अभी कौन अटैक करेगा इंडोमिनस रेक्स का एक और अटैक, और यहाँ पे स्पाइनोसॉरस बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, और ये अभी मेरे ख्याल से हार सकता है, और यहाँ पे इंडोमिनस रेक्स शायद मौका ढूंढ रहा है, और ये इंडोमिनस रेक्स ने स्पाइनोसॉरस को दबोच लिया है, और यहाँ पे स्पाइनोसॉरस ने गिरा दिया जमीन पे, और यहाँ पे स्पाइनोसॉरस को इसने मार डाला। तो यहाँ पे अभी तक का डोमिनेटर जो था स्पाइनोसॉरस उसे मार दिया इंडोमिनस रेक्स ने। अभी हम लोग इंडोमिनस रेक्स के साथ हमारे आखिरी कंटेंडर को लड़वाएंगे और देखेंगे कि इंडोमिनस रेक्स के साथ वो कंटेंडर लड़ सकता है या नहीं। तो यहाँ पे आखिरी जो हमारा कंटेंडर है इस बार वो और कोई नहीं, इंडोमिनस रेक्स का ही एक हाइब्रिड है जो कि है इंडोरैप्टर। अब इंडोरैप्टर टीरेक्स और वेलोसिरैप्टर का मिश्रण है, जैसे कि इंडोमिनस रेक्स है इंडोमिनस रेक्स और एक वेलोसिरैप्टर का मिश्रण है इंडोरैप्टर। तो मैं यहाँ पे हमारे इंडोरैप्टर को रिलीज कर देता हूँ, और ये हमारा आखिरी कंटेंडर है इंडोरैप्टर, तो मैं इसे अभी रिलीज कर देता हूँ और देखते हैं ये इंडोमिनस रेक्स के साथ में लड़ पाता है या नहीं। तो यहाँ पे इंडोरैप्टर को मैंने रिलीज कर दिया, और हम लोग देखेंगे इंडोरैप्टर का रिएक्शन क्या होता है इस बार बाहर आते ही। तो मैं अभी चुप हो जाता हूँ। तो यहाँ पे
इंडोरैप्टर अभी शायद खाने की तलाश में मेरे ख्याल से नीचे जाएगा और इंडोमिनस रेक्स से मिलेगा। तो यहाँ पे इंडोरैप्टर नीचे जा रहा है जैसे कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे इंडोमिनस रेक्स तो मुझे नहीं दिख रहा, और वहाँ पे दूर इंडोमिनस रेक्स है और ये इंडोरैप्टर उसी की तरफ बढ़ रहा है जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से शायद होना चाहते हैं इंडोरैप्टर को इंडोमिनस रेक्स के बारे में, और ये शायद इंडोमिनस रेक्स की तरफ ही दौड़ता हुआ जा रहा है, और वहाँ पे दूर सामने से इंडोमिनस रेक्स भी मेरे ख्याल से इंडोरैप्टर के सामने आ रहा है, और ये दोनों अभी शायद मेरे ख्याल से लड़ेंगे। तो यहाँ पे इंडोमिनस रेक्स और इंडोरैप्टर दोनों ही तैयार है लड़ने के लिए, और दोनों ही फाइटिंग सिचुएशन में है। तो यहाँ पे पहला फाइट है इंडोरैप्टर की तरफ से, और यहाँ पे इंडोमिनस रेक्स बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुका है, और देखते हैं अभी कौन जीता है। तो इंडोमिनस रेक्स का भी एक शाउट आउट, और यहाँ पे इंडोरैप्टर की तरफ से भी कोई भी आंसर नहीं है, और इंडोरैप्टर ने आंसर दिया एक और बार फाइट मार के, और यहाँ पे इंडोमिनस रेक्स बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुका है मेरे ख्याल से। तो देखते हैं कौन जीता है, अभी इंडोरैप्टर तो तैयारी कर रहा है, और यहाँ पे इंडोरैप्टर एक बार इंडोमिनस रेक्स के ऊपर चढ़ गया और इसे गिरा दिया जमीन पे, और यहाँ पे इंडोमिनस रेक्स का भी काम इसने तमाम कर दिया है जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे टोटल इस बैटल रॉयल का विनर हमें मिल चुका है जो कि है इंडोरैप्टर, और यहाँ पे सारे डायनासोर्स में से ऑब्वियसली मांसाहारी डायनासोर्स में से खतरनाक है इंडोरैप्टर। तो मैं अभी इंडोरैप्टर के साथ में एक और इंडोरैप्टर को लड़वाऊंगा, और देखेंगे ये खुद से लड़ के जीतने की काबिलियत रखता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं हेमंत क्रिएशन लैब में जाता हूँ, और यहाँ पे इंडोरैप्टर को एक और बार रिलीज करने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पे इंडोरैप्टर तैयार हो चुका है, और इसे मैं अभी रिलीज कर देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा इंडोरैप्टर यहाँ पे रिलीज करवाया है, और देखते हैं ये इंडोरैप्टर हमारे पुराने इंडोरैप्टर को हरा सकता है या नहीं। तो यहाँ पे इंडोरैप्टर पहले की तरह मतलब सेम तरीके से इंट्रो दे रहा है अपना, और अभी इंडोरैप्टर शायद आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये अभी थोड़ा सा सुन दे रहा है कि क्या करना है इसको, और ये अभी मेरे ख्याल से आगे बढ़ने ही वाला है। तो ये अभी आगे बढ़ रहा है, और देखते हैं दोनों इंडोरैप्टर कब सामने आते हैं। तो यहाँ पे नए इंडोरैप्टर को शायद कुछ खाना मिला है हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे एक बकरी इसे मिली है और उस बकरी को इसने मार दिया है, और यहाँ पे इंडोरैप्टर का शिकार जो है वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है, और यहाँ पे इंडोरैप्टर अभी शायद इसे नहीं खाएगा। मैं देख लेता हूँ इंडोरैप्टर कहाँ है पुराना वाला, और हमारा पुराना वाला इंडोरैप्टर यही है केज में, तो यहाँ पे हमारा नया वाला इंडोरैप्टर अभी इस कोट को खा रहा है, और उसके बाद ही शायद हमारे पुराने इंडोरैप्टर से ये लड़ेगा। तो वहाँ पे हमारा पुराना इंडोरैप्टर हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हमारा पुराना इंडोरैप्टर भी धीरे धीरे इसी तरफ आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे इंडोरैप्टर्स का यहाँ पे मेरे ख्याल से मीटअप होगा, और देखते हैं ये मीटअप कितना खतरनाक होता है। तो यहाँ पे हमारा नया इंडोरैप्टर अभी पुराने इंडोरैप्टर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, और शायद इन दोनों के बीच अभी लड़ाई कुछ ही देर में होने वाली है। तो यहाँ पे दोनों इंडोरैप्टर आमने सामने हैं जैसे कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे दोनों इंडोरैप्टर्स के बीच में शायद अभी लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे नया इंडोरैप्टर शायद चैलेंज कर रहा है पुराने वाले को, और यहाँ पे पुराना वाला भी कोई कमजोर नहीं है, और नए वाले ने पुराने वाले के ऊपर एक और बार अटैक कर दिया है, एक बार ही अटैक किया है पहली बार, और अभी पुराना वाला भी हमारे नए इंडोरैप्टर के ऊपर अटैक करने वाला है, और कर दिया है ऑलरेडी, और हमारा नया इंडोरैप्टर अभी तैयारी कर रहा है। तो सिंपली हमारा जो नया इंडोरैप्टर है देखते हैं, ये दोनों ही अभी पोजीशन ले रहे हैं बेसिकली, और ये देखते हैं कौन अटैक करता है। अभी हमारा नया जो इंडोरैप्टर है उसने अटैक कर दिया पुराने वाले के ऊपर एक और बार, और यहाँ पुराना वाला इंडोरैप्टर भी तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो पुराना वाला इंडोरैप्टर उसने भी एक और बार अटैक किया, और यहाँ पे हमारा जो पुराना वाला इंडोरैप्टर है वो काफी कमजोर हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा नया वाला जो इंडोरैप्टर है वो दिख रहा है सिंपली, और नया वाला इंडोरैप्टर पुराने वाले के ऊपर चपटा, और यहाँ पे पुराने वाले इंडोरैप्टर को इसने मार गिराया। तो यहाँ पे इंडोरैप्टर अपने आप से ही नहीं लड़ पाया, ओवरऑल ताकतवर इंडोरैप्टर जीत गया यहाँ पे। तो इस बैटल का ओवरऑल विनर है इंडोरैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही कंटेंट्स मैं आपके लिए फ्यूचर में लाता रहूँ। थैंक यू।